में हमारा एक जिम्मेवार वाला अर्थनीतिक मॉडल का प्रमाण है। दुनिया की समस्या है उसके अंदर भारत तुलनात्मक रूप से, जब हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं, जब ग्लोबल फूड चेन डिसरप्ट हो गया, उसके अंदर भी भारत की अर्थनीति मजबूत पैर पे खड़ा है, इसलिए हमने फिफ्थ पोजीशन पे यहाँ आया है। देवेंद्र पलासर, लीज मैथ्यू। I would like to ask you, what is this, what do you mean by this politics of saturation and governance of saturation in the context of this crisis over this inflation as well as unemployment? देखिए, मैंने कहा अलीज जी कि आज देश की नौजवान में तुलना करके आपको कह रहा हूँ, इतने यंग एंटरप्रेन्योर पिछले दिनों में नहीं निकलते थे। आज देश की नौजवान जॉब प्रोवाइडर बन चुका है, डिजिटल इकोनॉमी की नई नेटवर्क आ गई है। जब हम पॉलिटिक्स परफॉर्मेंस पॉलिटिक गवर्नेंस ऑफ सैचुरेशन कहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना हमको याद आती है, हर घर में नल में जल पहुंचाने की बात याद आती है, हर घर में बिजली पहुंचाने के लिए बात आती थी। आखिर देश की आजादी के 70-72 साल के बाद करोड़ों की संख्या में घर ना हो, बिजली ना पहुंचे, स्वच्छ ईंधन ना पहुंचे, बैंक खाता ना खुले, जिसको पिछले 8 साल में प्रधानमंत्री जी ने किया। और इस बीच में मैं खुद ही का एक विषय भूल गया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी हमारी नव जागृति का एक बहुत बड़ा सुधार की पॉलिसी है। इसी को हमने कहा, विशेष करके जो 2-3 उदाहरण मैंने बताया, प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ऑल दीज आर ग्लोबल इश्यूज। भारत को मैं अगर कंपेरेटिव स्थिति में खड़ा करूं, हम आज बहुत मजबूती की स्थिति में खड़े हैं।